ये कहानी है उस बाप की जिसने ये ख्वाब देखा था कि उसका बेटा एक दिन इंडियन जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहानी है उस नौजवान लड़के की जिसने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अंडर 19 क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन कर रहा हूं अपने मुल्क की तरफ से, तो एक दिन मैं अपने मुल्क के लिए भरे मौके के ऊपर भी रन करूंगा। ये कहानी है उस लड़के की जिसने फर्स्ट क्लास ही क्रिकेट के अंदर तबाही मचा के 1400, 1150, 301 इनिंग्स के अंदर स्कोर करने के बावजूद उसको इंडियन टीम में चांस नहीं मिलता। ये कहानी है उस लड़के की जिसके ऊपर बहुत सारी बातें की गई, जिसको इल्जाम लगाए गए कि ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसका वेट ज्यादा है, ये चाहे कुछ भी कर ले टीम में जगह नहीं बनती, प्लेयर अच्छा है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, नेशनल क्रिकेट अलग है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने ख्वाब देखा था कि एक दिन वो अपने बाप का ख्वाब पूरा करेगा और आज उसने उस ख्वाब को पूरा किया। मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान, इंडिया का वो खिलाड़ी जिसने एक अरसे से हम इसका नाम सुनते हुए आ रहे थे, बार बार बीसीसीआई के दरवाजे खटखटाए कि अब मुझे टीम के अंदर रखो, अब मुझे टीम के अंदर रखो, लेकिन फाइनली उसको मौका मिला और आज उसने डेब्यू करके उसको साबित भी किया। उस बाप के चेहरे पे जो आंसू आ रहे थे वो साफ बता रहे थे कि उसने इस चीज को देखने के लिए उसकी आंखें कितनी तरसी हैं। उस बाप के जो चेहरे पे जो आंखों में आंसू थे वो साफ बता रहे थे कि उसके बेटे ने इस चीज मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की। उस बाप के जो आंखों में आंसू थे वो साफ बता रहे थे कि हर सपना सच होता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है। हुआ कुछ यूं कि सरफराज खान ने आज शानदार किस्म का स्टार्ट किया अपने करियर का, जो कि बहुत लेट शुरू हुआ। हालांकि जब उसने अंडर 19 के अंदर इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन किए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तब भी कह दिया गया था कि ये लड़का बहुत कुछ करेगा, लेकिन बीच में एक ऐसा ब्रेक आया उसके करियर के अंदर कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जगह नहीं बना पाया। सरफराज खान देर आए बट दुरुस्त आए, फाइनली उनको इंडिया ने मौका दिया इंग्लैंड के खिलाफ और आज उसने शानदार क्रिकेट खेल के दिखाई और अनलकीली बेचारा रन आउट हो गया। जो भी हो, रविंद्र जडेजा ने माफी भी मांग ली, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरी इंडियन टीम, हर कोई चाह रहा था कि सरफराज खान रन करे, इवन के आपका कैप्टन चाह रहा था कि सरफराज खान आज चले रन्स करे, वो चला, उसने रन्स भी किए और उसने ऐसी क्रिकेट खेली कि हर कोई, इवन के ऑपोजिशन भी ये एडमिट कर रही है कि सबसे अच्छी इनिंग्स इसने खेली। हालांकि जिस मैच के अंदर 2 सेंचुरी लगी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे उस बंदे की हो रहे हैं जिसने सेंचुरी भी नहीं मारी। वो कहावत है ना, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, इसी के साथ साथ सरफराज खान के साथ ये कहावत लगती है कि तुम्हारी सेंचुरी से ज्यादा हमारी ना सेंचुरी करने के चर्चे हैं। सरफराज खान की जो इनिंग्स थी वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। सरफराज खान की इनिंग्स की हर एक शॉट में एक चीज पता चल रही थी, एक मैसेज जा रहा था कि एक एक शॉट मार के कि आप लोगों ने कितनी देर कर दी है मुझे लेकर आने के अंदर। सरफराज खान की बात करें तो देखिए, इट्स टू अर्ली टू से, अभी पहला मैच ही था, पहली इनिंग्स ही थी, इतनी तारीफें हो रही है, पूरी दुनिया उसके बारे में बातें कर रही है, इट्स टू अर्ली टू से उसको किसी के साथ मैच करना, किसी के साथ उसको जोड़ना, ये बहुत जल्दी है। सरफराज खान सरफराज खान है, सरफराज खान जो है ना फेमस है, सरफराज धोखा नहीं देगा, ये वो वाला सरफराज है। सरफराज ने अपनी मेहनत का फल जिसको कहते हैं ना उसको हासिल कर की है, मेहनत का फल आपको मिलता है ना, इसने हासिल करके दिखाया। तो सरफराज खान जो है ना वो इंडियन क्रिकेट के अंदर मैं समझता हूँ कि अपना सिक्का मनवा के रहेगा, और जिस तरह से वो लड़का रोया है ड्रेसिंग रूम में अकेला बैठ के जब वो आउट होकर है, जितना वो अपसेट हुआ हुआ था, इससे पता चलता है कि उसको पता था कि आज मैंने भरे रन्स करने हैं, मैं आउट नहीं हो सकता। आज तो उसने अखीर कर दी थी ना, उसके चेहरे से फील हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता, डेब्यू के ऊपर 50 आ गया, अगली इनिंग के अंदर 100 भी आ जाएगा, बस आपने अपने शौक को पूरा करना, अपने बाप के ख्वाब को पूरा करना। सरफराज खान के लिए विश कर सकते हैं कि उनको आगे जाके और कामयाबी मिले। इसी के साथ साथ एक और लड़के ने भी डेब्यू किया था, उसकी कल बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आज का दिन मैं समझता हूँ इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो डे 1 था वो पूरा का पूरा सरफराज खान के नाम।